हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं फ्रैक्शन क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 5/7 प्लस 1/6, इन दोनों को ऐड करना है। तो पर ऐड करने के लिए क्या करें, पहले डिनोमिनेटर का इसका एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर कितना है, 7 और 6, इसका एलसीएम निकालना कितना होगा, 7 × 7, 6 को 80 कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 6। अभी 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 42। एलसीएम आ गया 42, तो ये 42 को यहाँ पे लिख देंगे, जितना एलसीएम निकलेगा उसको नीचे लिख देंगे। फिर इसमें डी नोमिनेटर से डिवाइड करना है, 7 को 42 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 6, और 6 को जो नोमिनेटर इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 प्लस, फिर इस 6 को डिवाइड करेंगे 42 में तो कितना आएगा, 7, और 7 को जो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7। 30 और 7 को ऐड करने में कितना आ जाएगा, 37/42। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है कि 3/8 प्लस 5/4, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का इसके पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम निकालना है, ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, फिर 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 2 × 2, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8, ये एलसीएम कितना आ गया, 8। अब इस एलसीएम को नीचे लिख देंगे, फिर इस 8 को इस डिनोमिनेटर से जितना एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे, तो 8 को डिवाइड करेंगे 8 में कितना आएगा, 1। अब इस 1 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 प्लस इस 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 4 को डिवाइड करने में 8 कितना आएगा, 2, और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगी, 10। इनको ऐड करने में कितना आएगा, 13/8, तो इसका आंसर कितना आ गया, 13/8 आ गया। इसमें कि 6/3 प्लस 4/6, फिर इसमें भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का इसमें एलसीएम निकलता है, डिनोमिनेटर इसका कितना है, 3 और 6, और 3 और 6 का एलसीएम निकालने पे ये 6 आ जाएगा, 3 × 3, 3 × 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, इसका कितना हो जाएगा, 3 × 2, एलसीएम आ गया 6। जितना एलसीएम निकला है उसको पहले नीचे लिख देंगे, फिर डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो ये 3 के टेबल में 6 कितने पे आएगा, 2 पे, डिवाइड करने से कितना आएगा, 2, और इस 2 को क्या करेंगे, नोमेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6 = 12 प्लस, फिर इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 6 में, तो 6 को 6 से डिवाइड करने में कितना आएगा, ये 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 × 4, इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, ये 16 × 6, फिर इसको जितना आंसर आएगा उसको डिवाइड हो रहे तो डिवाइड भी कर देंगे, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, इसका आंसर कितना आ गया, 8/3 आ गया। फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन है कि 7/6 प्लस 6/2, इसमें भी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालने पर कितना आ जाएगी, 6, और फिर इस डिनोमिनेटर को जितना एलसीएम निकला उतना से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को कितना आ जाएगा, 2, और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आ जाएगा 14, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, फिर इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 से डिवाइड करने पर 6 कितना आ जाएगा, 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नोमिनेटर में तो 3 × 6 = 18, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/4 = 12, कैरी 1, और 1/1 = 2, और फिर कैरी ऐड करेंगे तो 3 × 6 = 6, 32/6 आ गया। इस 32/6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 1, कैरी दिखा तो ये 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, ये आ गया 16/3।